नमस्कार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का 50-50 का रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक है। बीजेपी शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन होगा, राज्य सरकारों और पार्टी के समन्वय पर बात होगी। बैठक में आने वाले चुनावों पर भी चर्चा होगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से बात करेंगे पीएम मोदी। अशरफ काजमी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से और जानकारी के साथ। अशरफ, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम से चर्चा होनी है, लोकसभा चुनाव पर मंथन होना है, नतीजों पर स्वाभाविक है कि कई राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव फिर होने हैं, विधानसभा चुनाव फोकस है वो। अशरफ बिल्कुल, देखिए ये जो आज वो मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हो रही है ये हर साल होती है और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार अब बैठक आयोजित की गई है, जब भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और इसमें जो नतीजे रहे चुनाव परिणाम उस पर चर्चा की जाएगी और फिर केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों का अंतिम व्यक्ति तक क्या फायदा पहुंच रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, इस पर चर्चा की जाएगी और फिर जहां पर उपचुनाव हैं उन राज्यों की भी बात की जाएगी और जिन राज्यों में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं जैसे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर, तो उन पर भी चर्चा की जाएगी कि यहाँ पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है और अगर कहीं कुछ कमी है तो कैसे उनको दूर किया जाए। और मध्य प्रदेश में भी दो उपचुनाव होने, दो सीटों पर बुदली और विजयपुर, तो हो सकता है कि इस पर भी कोई हल्की फुल्की चर्चा हो क्योंकि और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, सिर्फ उपचुनाव दो सीटों पर मध्य प्रदेश में होना है। जिन मोर्चों पर लोकसभा चुनाव में चूक गए उस लिहाज से भी मंथन होगा कि कहीं वो कमियां ना रह जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए जिन राज्यों में पार्टी को नुकसान हुआ है, खासकर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो उस पर तो यहाँ पे गंभीर चर्चा की जाएगी और संगठन और सरकार में जो गतिरोध बना हुआ है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए और एक जो मजबूत संगठन और सरकार की छवि जनता के बीच में बने, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ आज महत्वपूर्ण चर्चा संगठन और प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और अब देखिए खबरों का 50-50।